3 किलोमीटर पर्यंत माड़ आसिब समुद्र केन्द्रापड़ार विशेषकर जो टिकात नगर रही तीन किलोमीटर पर्यंत समुद्र माड़ आसी पारे जार चित्र आम धीरे धीरे देखुं ग्राउंड आम प्रतिनिधि मैंने आमको चित्र देखा समुद्र माड़ आसी पारे 1 मीटर पर्यंत जुआर उठवा आशंका करत्या दाना प्रभाव में समुद्र अशांत होगा आरंभ कला भद्रक मोहनपुर 800 मीटर पर्यंत समुद्र माड़ आसी पारे 1.5 मीटर पर्यंत जुआर उठी पारे बालेश्वर कुंभीरगिरी में समान भाव में 900 मीटर पर्यंत समुद्र माड़ आसी पारे बात्या तार प्रभाव विस्तार कला लोकों सुरक्षित स्थान को नि उपकूल में वर्षा आरंभ हो गला दाना प्रभाव में अशांत समुद्र होनी गोला उच्च जुआर आसला किसी स्थान में आम भितरकनिकार चित्र भी देखुले किसी समय पूर्व केमिति समुद्र पानी धीरे धीरे माड़ आसू जार चित्र देखुले चांदीपुर नहीं चलु पुणि थे सहयोगी नीलिमा प्रियदर्शनी सेठे अच्छा नीलिमा जहां आप कि समय पूर्व कहते हैं वर्षार मात्रा धीरे धीरे बढ़ला सका जी वर्षा होता एवं धीरे धीरे वर्षा बढ़िया आरंभ कला समुद्र पा गोलिया ढेव उच्च जुआर उठू आउ कौन चित्र से देखुं आपण एवं स्थित केमती आम कहीपर जो बिगड़े लगी स्थित निवेदा देखो तो स्थिति बिगड़ब कि नहीं तो आज सन्ध्यार ही जना पड़ो कारण देखो तो पाणीपाग विभाग जहाँ रही पूर्वानुमान कि जहाँ से आकलन करते पवन रेग जिते लैंडफल कर 110 रु 120 किलोमीटर बेगर और 24 तारीख में विंड स्पीड जहाँ रही 80 रु 110 भितर रेणुता रखा हाँ पवन रति बढ़ी वर्षार परिमाण बढ़ी आम सहित जे स्थानीय बासीदा रही प्रतिक्रिया ना से साइक्लोन को बहुत पाखर देखी यश कथ कहतु अम्फन कथ कहतु जो हिसाब से बालेश्वर तांडव रही तेणु ये दाना को नहीं रही कौन प्रतिक्रिया आपको चित्र देखेबी कि चांदीपुर केमी रही आप नाटा कौन सुशांत कुमार जेना अम्फन देखी यश भी देखी बालेश्वर केमती तांडव रची ये बात्या दाना को नहीं कौन कह दाना तो ये आज का भोर भोर प्रबल वर्षा है पवन भी होती लोक मैंने भयभत होती आ बुलाबूल किसी मानते पगटा मानते ये अच्छी मेघुआ अच्छी वर्षा भी चली सब नहीं कि लोक मैंने भयभत हो रही काणी माड़ी आसो से आशंका प्राय के लोक अच्छा एरिया पाखापाखि अच्छा 5000 लोक पाखापाखि अच्छा चांदीपुर लो लाइन एरिया प्राय लोक प्रभावित हो पारे लो लाइन एरिया लोक पाखापाखि 2000 पाखापाखि सांगे सांगे बाहरी पलि आसवे बर्तमान पाखापाखि आपट एरिया बलरामगढ़ जो टलर अशेषंग अच्छा टलर सब उपरू चलते से बहुत स्टाफ बाहर आसी रोचान सब बोट्रे भी अच्छा बर्तमान सुधा एपर्त बोट्रे भी सब अच्छा बोट सब चढ़ाचढ़ी कर बंधाबंदी कर रखुच्च सी बीच लेन को काली आसी कल सब पुलिस मैंने आसते गुड़ागुड़ी कर बाहर करते कहते बात्या आसपाई सब पड़े प्रपर इनफर्मेसन पहुंच पड़ी हाँ पहुंच प्रपर इनफर्मेसन पवन बढ़ा वर्षा हम डर लगुच तो दीटा बात्या फेस कर सारे आने जाणीगले ये टाइप वर्षा हम पवन हम इस रही है मानसिक स्तर में प्रस्तुत प्रस्तुत अच्छे सब आज्ञा आपको एरिया पाखापाखी के अफेक्ट हुए ना ना सेमती किसी चांदीपुर बेस बड़धरण हुए कहीं जगह कहते सब अधिक लोक प्रभावित कि गत बात्यार यो चांदीपुर ये बीच में देखो पूरा पा पूरा उठी जाता बीच उपरक गत बात्यार जो आसते पा पूरा बीच उपरू पूरा उठी कि अफेक्ट किसी है ना खाली पा फाणी उठाला गच फच किसी भांगी था आ कि बेस किसी क्षतिगत है ना से दीघार मेड़ होता से बात्याटा कि ये बात्याटा हम बर्तमान आम ओडार जो मेड़ हम बोली समस्त लोक भयभत होती आपड़ शुणुते लोक मैंने भयभीत अच्छे देखो निवेदा ये वर्षार भी परिमाण बढ़ुच्च आपड़ मतलब देखुते किसी समय पूर्व यही जगह ही मुझे ढड़ाई थी चांदीपुर बेलाभूमि वर्षा के कैमेरा लेंस भी आप देखी पारे वर्षार परिमाण के देखो पूरा बीच एरिया को ये खाली कराई क्या रखा जाए कारण जेहेतु पवन उच्च जुआर आसर संभावना रही तेणु जमी कौन प्रकार क्षति न घटे आखिगे रखी पूरा बीच को खाली करते सब पर्यटक जो आसते से डाकबाजी जंत्र जो कि आगु सूचना दी जाए कि यह समय कहीं न आसवापी दुकान बजार को बंद कराई पूरा बीच खाँ खाँ जो भी सब गहली रही है से बीच आज पूरा खाली रही दूर दूर पर्यंत आपड़ देखी पारे कि कौ भाव में समुद्र अशांत रही है चांदीपुर बेलाभूमि गोटे कथा मुझे कहूँ पूर्व बुलेटिन में कि ये कूल सब जुआर माड़ हुए ये हठात किना जुआर आसो पाखापाखि 2.5 रु 3 किलोमीटर पर्यंत पछक समुद्र पुणी पलाए आप देखते बर्तमान से ही सामान दृश्य सका समुद्र ढेर पाखक आसाला पाखापाखि 500 मीटर आ रही मात्र कूलर कितने जिते समय बढ़ला से समुद्र भितर को भितर गला आप देखिए।
ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର 3.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ରହିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 12:30 ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଜୁଆର ଆସିପାରେ କୂଳକୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏଠି ସମୁଦ୍ର ସବୁବେଳ ପାଇଁ କୂଳକୁ ଆସେନି, ହଠାତ୍ ଆସିବ ଏବଂ ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେତେ ହଠାତ୍ ଆସିବ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆରର ଯେତେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି ଏଠି ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିପାରେ ବୋଲି କହିକି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଗୁଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାର ଯାହା ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।